पक्की। एक और बड़ी खबर, एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के विवादित बयान पर सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में कहा कि कंगना का बयान बीजेपी की नीयत को साबित करता है। किसानों की मांग पूरा करने में नाकाम बीजेपी अब अपमान पर उतर आई है। कंगना के विवादित बयान के खिलाफ किसान संगठन भी विरोध कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी ने आज हरियाणा में प्रोटेस्ट करने का ऐलान कर दिया है। कंगना के विवादित बयान पर सियासी उबाल दिखाई दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी ने जो पोस्ट किया है वो इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है। किसान संगठन भी विरोध में उतरे हैं। बीजेपी ने कंगना के बयान से खुद को अलग कर लिया है इस बीच में और उन्हें ऐसे बयान न देने की हिदायत दी है, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तंज कसा है। कंगना रनौत ने इस देश के अन्नदाताओं को बलात्कारी और हत्यारा बताया। एक रेयर मूव में स्टेटमेंट आया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जिसमें कहा गया कि किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। अगर आपकी पार्टी का यह मत नहीं है तो निकाल बाहर करिए ऐसे सांसद को। यह मैं हृदय से माफ करने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी 2024 में। प्रज्ञा ठाकुर गोडसे की पुजारी को हृदय से माफ नहीं कर पा रहे थे, अब यह हमारा मत कह के पलड़ा झाड़ने हम नहीं देंगे। देश के किसानों के खिलाफ जिसने इस तरह की बात की है उसको किसी कीमत पर संसद में बैठने का हक नहीं है। ABP News आपको रखे आगे।